शेखुपुरा चेयरमैन सफदराबाद राना अख्तर अली उर्फ राना निक्के खान का अपने भांजे और बहनोई पर मुबैना जुल्म, भांजे और बहनोई मोहम्मद खलील पर मुबैना झूठा दावा दायर कर दिया और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। शाहिद का कहना है कि सितम बलाए सितम, ये और मेरे बच्चों को घरों में मजदूरी करवा कर कमाई खा रहा है, मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। मंडी बहाउद्दीन के इलाके नौरियाना बसाल में जायदाद के तनाजे पर दामाद ने फायरिंग करके सास को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के इलाके नौरियाना बसाल में मकतूला मुसरत बीबी की इकलौती बेटी की शादी मुलजिम गुलाम अब्बास से चंद साल कबल हुई थी, जबकि मकतूला बेवा थी। मुलजिम मकतूला से इसकी जायदाद में अपने नाम करवाने के लिए मुतालबा करता था, लेकिन इनकार पर नाराज था। मकतूला भैंस का दूध धोने के लिए घर से निकली तो रास्ते में मुलजिम ने सास पर फायरिंग कर दी, जिस पर खातून मौका पर ही जा बहक हो गई। पुलिस थाना गोजरा ने मकतूला के भाई कौसर हुसैन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। अहमदपुर शर्किया बल्दिया के नाहल तरीन मुलाजिम महमूद ने नाहली के सब रिकॉर्ड तोड़कर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। महमूद की वजह से सियाल ज्वेलर मार्केट में गडर के ढक्कन टूट फूट का शिकार राहगीर आए रोज खुले मेन हॉल में घिरने लगे। आज भीख मांगने वाली बकारन गुजरते वक्त अपनी जमा पूंजी के हमरा गटर में गिर गई और इसकी जमा पूंजी भी गंदे पानी में गिर गई। अहलियान सियाल मार्केट ने बल्दिया के नाहल मुलाजमीन को फौरी तौर पर बरतरफ करके जिम्मेदार मुलाजमीन को तायुनात करें ताकि ऐसे हादसा दोबारा रोनमा ना हो सकें। इन ख्यालात के इजहार से ये इमरान हुसैन बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से, जहां जिला नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल इम्तियाज शाहिद गोंदल की जानब से गुज़िश्ता रोज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में जिला नारोवाल की तमाम मार्केटें और दुकानें बंद करने का हुक्म सादर किया गया। वहीं दूसरी जानब इस नोटिफिकेशन में कुछ दुकानदारों को मुस्तशना हासिल है, जिसमें दूध दही मेडिकल स्टोर होटल फास्ट फूड और सब्जी की दुकानें शामिल हैं। जिला नारोवाल में पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की जानब से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल इम्तियाज शाहिद गोंदल के इस नोटिफिकेशन की भरपूर मजम्मत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोट मटन शरीफ जोग फरीद में तहरीक फरीद पाकिस्तान सरायकिस्तान कौमी इतिहाद के जेरे तमाम फर्जंद फरीद जानशीन दरबार फरीद कोट मटन शरीफ ख्वाजा गुलाम फरीद कुरैजा सरबरा सरायकिस्तान कौमी इतिहाद की सदारत में जश्न शाह हुसैन रुखसाई का इनाकाद सूफी मुशायरा फिक्र इंसानियत कॉन्फ्रेंस और महफिल समा ख्वाजा आमिर फरीद कुरैजा साई पीर ऑफ कोट मटन शरीफ की खसूसी शिरकत सरायकिस्तान कौमी इतिहाद के मरकजी सेक्रेटरी इतलात जाम फैज अल्लाह मंजूर खान जतोई सूबाई सदर सरायकिस्तान कौमी इतिहाद पीर मुस्लिम साहिब चेयरमैन होशनाक फाउंडेशन राव सरफराज अहमद एडवोकेट साहिब और दीगर उलमा मशाहे और मायदीन और अवाम की भरपूर शिरकत। अहमदपुर सियाल बंगला यासमीन दरीना दुश्मनी की वजह से दो ग्रुपों में फायरिंग, फायरिंग के नतीजे में तीन अफराद मौका पर जा बहक हो गए और एक शदीद जख्मी। मजीद जानते हैं गुलाम शब्बीर से। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके बंगला यासमीन में पेश आया तल कलामी पर तहरे कतल का वाकया। वकुआ की इतला मिलते ही डीपीओ झांग डॉक्टर गयाज मौका पर पहुंच गए। दो ग्रुपों में दरीना दुश्मनी की वजह से फायरिंग, फायरिंग के नतीजे में जा बहक होने वाले अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ झंग का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील, इलाके को सील करके छापे शुरू कर दिए गए। जलालपुर पीरवाला जिला मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला ट्रामा सेंटर से महरूम इमरजेंसी मरीज को मुल्तान या बहावलपुर मुंतकिल किया जाता है, जो कि अक्सर मरीज रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। देखिए प्रोग्राम जुर्म कौन रोके वजीर कचाला के साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं जलालपुर पीरवाला टीएचक्यू अस्पताल में और यहाँ आज बात करते हैं कि ट्रामा सेंटर यहाँ पर क्यों नहीं कायम किया गया और आने वाले मरीजों को क्या मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूं कि इमरजेंसी जो मरीज़ आते हैं उनको मुल्तान या बहावलपुर शिफ्ट किया जाता है और अक्सर अवकात ये भी होता है कि वो जो मरीज़ हैं रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, लेकिन हकूमत की मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको उनकी जो आंखें हैं वो बंद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरी, इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम सर, ये बताएं कि यहाँ पर जलालपुर पीरवाला में कोई ट्रामा सेंटर का इंतज़ाम नहीं किया गया, आप क्या कहेंगे किन किन चीज़ों का यहाँ मुश्किलात का सामना है आवाम को?
जी बिल्कुल, ये जलालपुर पीर वाला जो इलाका है उसके अंदर 7 लाख से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल है। जो THQ अस्पताल तो बनाया गया लेकिन ट्रामा सेंटर अभी तक कायम नहीं किया गया, जिसकी वजह से मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। क्योंकि जो दूर दराज के मजाफात के इलाकों से जो मरीज़ यहाँ THQ अस्पताल लाए जाते हैं उनको यहाँ से रेफ़र किया जाता है मुल्तान या भावलपुर ट्रामा में, तो जो यहाँ पर नहीं है इसी वजह से वहाँ पर मुंतकिल किया, रास्ते में ही अक्सर रुकात ऐसा होता है मरीज़ दम तोड़ जाते हैं। तो ये हुकूमत के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर ट्रामा सेंटर जो ना को तामीर किया जाए और उनका जो ना जल्द से जल्द यहाँ पर उनको जो ना इफ्तिताह किया जाए, ताकि जो ना जो 7 लाख की आबादी पर मुश्तमिल जलालपुर की जो आबादी है वो मुस्तफीद हो सके। जलालपुर पीरवाला की जो यहाँ पर जो मुश्किलात हैं वो मरीज़ों को इतनी मुश्किलात होते हैं कि जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनको भावलपुर या मुल्तान मुंतकिल किया जाता है, लेकिन बाज़ अवकात अक्सर ये भी होता है कि वो जो मरीज़ हैं रास्ते में दम तोड़ चुके होते हैं। और ये जो शहरी हैं इनका ये मुतालबा है कि मुंतखब नुमाइंदे हकूमत को चाहिए कि यहाँ ट्रामा सेंटर का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये जो जलालपुर की आवाम है वो फ़ायदा उठा सके। जी